5 मरले का मॉडर्न डिजाइन के अंदर घर लेके आया हूँ। लग्जरी हाउस है जिसके अंदर 4 बेडरूम मिलेंगे, 4 वॉशरूम मिलेंगे और नाजरीन पार्क फेसिंग घर है, बिल्कुल बैक पर मार्केट मिलेगी, स्कूल्स नज़दीक तरीन मिलेंगे। और इसके अलावा नाजरीन इसका फ्रंट एलिवेशन आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट के ऊपर ये 25-45 इसका साइज है। लॉन आप लोग देख सकते हैं, बड़ी गाड़ी का कारपोर्च देख सकते हैं। इसके अलावा टाइल वर्क और इसके अलावा रॉक वॉल का काम हुआ है। सराउंडिंग में आप लोग ये देखें, बहुत ही शानदार यहाँ पे ये पार्क भी बना हुआ है, फैमिली पार्क बिल्कुल सामने है। तो पार्क फेसिंग की प्रॉपर्टी है और LDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, 40 फीट वाइड रोड के ऊपर लोकेटेड है, बिजली का मीटर मौजूद है, गैस और पानी सोसाइटी देगी क्योंकि सेंट्रल पार्क के अंदर ये घर मौजूद है और सोसाइटी ये तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे देती है। ये कार पार्किंग आप लोग देखें, बहुत ही शानदार। इसके अलावा यहाँ पे वॉल के ऊपर डिजाइनिंग देखें, ग्रास और टाइल वर्क का हुआ है कम्प्लीट। यहाँ पे देखें निश बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इसके अलावा ये गैलरी देखें, निहायत ही शानदार, पूरे जो है गैलरी में आप लोगों को टाइल वर्क और ये ग्रास का कॉम्बिनेशन मिलेगा। डबल हाइटेड डोर मिल रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए बहुत ही शानदार ये घर, ये टीवी लाउंज एरिया है, बहुत ही शानदार, ऊपर फानूस है, फैन है, हर रूम में फैन मिलेगा। और यहाँ पे जो है अमूमन सीढ़ियों के नीचे होता है पाउडर रूम, मगर ये देखें डाइनिंग के साथ में आप लोगों को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पाउडर रूम मिल रहा है। अच्छा इसके भी ये यहाँ पे स्टोर रूम मिल रहा है। और इसके अलावा ये वाली जगह जो है, ये यहाँ पे किचन है, स्टोव की फिटिंग है, ये स्टोव है, एग्जॉस्ट हुड है, हाई ग्लास यूवी शीट यूज की गई है, डबल हाइटेड सिंक है। इसके अलावा पीछे गैलरी भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, बहुत ही शानदार, इसका ये ड्रेसिंग यहाँ पर है, इसकी विंडो है और ये वॉशरूम देखें। और इसके अलावा ये यहाँ पे सीलिंग डिजाइन तमाम चीजें आप देख सकते हैं। अब हम विजिट करेंगे फर्स्ट फ्लोर का। जैसे हम ऊपर आते हैं तो 2 बेडरूम मिलेंगे आप लोगों को, ये देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे 2 बेडरूम मिल रहे हैं, एक बेडरूम इस तरफ है, एक इस तरफ है, ये स्टोर रूम है और नक्शा इसका बहुत ही आइडियल है। इसके अंदर यहाँ पे भी स्टोर रूम है, उस तरफ किचन है, बाहर टेरेस है, ऊपर सीलिंग डिजाइन और तमाम चीजें फानूस, ये LED पॉइंट देखें। इस घर की जो प्राइस है 2,15,00,000 रुपए आस्किंग प्राइस है। ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे किचन बनाया गया है, तमाम चीजें। अच्छा ये बाहर से आप लोग देखें, ये देखें बाहर से व्यू देखते हैं, ये यहाँ पे टेरेस है छोटा सा, ये बाहर का व्यू आप लोग कर सकते हैं, कितना खूबसूरत मंजर है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो कि लाहौर की सबसे बड़ी सोसाइटी है, इसके अंदर ये घर है। और ये देखें बिल्कुल बैक पे कमर्शियल एरिया है, इस घर के बैक पे कमर्शियल बिल्डिंग होगी, बीच में गैप होगा, 10 या 8 फीट की गली होगी। ये इधर वॉशरूम देखें, यहां पे ड्रेसिंग एरिया है, आ जाए इधर आ जाए। ये देखें ये वॉशरूम बड़ा खूबसूरत है, इसके अंदर कमोड भी है, वेंटी है, सारी चीजें हैं। और ये वॉलपेपर देखें, ग्लोब देखें, हर चीज यहाँ पे मौजूद है। A1 ब्लॉक के अंदर ये घर मौजूद है, सेंटर पार्क में मेरा ऑफिस भी मौजूद है, गेट नंबर 1 पे ऑफिस है मेरा, मैकडोनल्ड वाली लाइन में सोसाइटी के अंदर मैकडोनल्ड है, LG स्कूल की 2 ब्रांचेज हैं, 1 ब्रांच इसी ब्लॉक के अंदर भी मौजूद है। फिर इसके अलावा 42B प्लाजा में मेरा ऑफिस है, वहां पे आप आके बुकिंग करवाएं, गेट नंबर 1 पे अंदर जाएं। ये एक छोटे साइज का बेडरूम है, इसको आप सर्वेंट रूम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, 4 बेडरूम वाला ये घर है। आप इस तरफ आए, अब ये देखें ये कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, इसके साथ में एक स्कूल है, यूनिक स्कूल इसके साथ में है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ पे गैप होगा थोड़ा सा, तो आप लोगों ने अपने घर से निकलना है और जनाब यहाँ पे आपकी कमर्शियल मार्केट होगी, आगे LG स्कूल है, हॉर्स राइडिंग क्लब है, मस्जिद जो है A1 ब्लॉक की बिल्कुल सेपरेट है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ग्रिड स्टेशन सामने मौजूद है, ये एरिया जो है ये 150 फीट वाइड है, ये सामने कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी हाई राइज सारी, और बहुत आउट क्लास लोकेशन है। यहाँ पे बुकिंग के लिए हिम्मत ग्रुप की टीम से रब्ता करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हिम्मत ग्रुप यूट्यूब चैनल है, फिर दूसरा हिम्मत पार्क TV है, दोनों को इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आप लोग हमें फॉलो करें। हिम्मत ग्रुप आप सोच गूगल पे लिखेंगे तो आपको तमाम प्लेटफॉर्म नजर आ जाएंगे। ये देखें ये पार्क है कितना खूबसूरत, बिजली यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, गैस और पानी आप लोगों को मिल जाएगा, गैस के लिए आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो वो आप लोग अप्लाई करेंगे, और पानी के लिए नाजरीन वो ओवरहेड ब्रिज बिल्कुल सामने A1 ब्लॉक का बन रहा है, 2-3 महीने तक कम्प्लीट हो जाएगा और पानी भी कनेक्शन सोसाइटी देगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।